बहुत समय पहले खिचड़ीपुर गांव में राजू अपनी पत्नी बिमलेश और अपनी दादी के साथ रहता था। वह लोग बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किलों से गुजारा चल रहा था। हे मेरे कन्हैया, हमारी गरीबी कब दूर करोगे भगवान? मेरा पोता मेहनत कर कर के परेशान हो रहा है, हमारी मदद करो। बिमलेश, इतना पैसा खर्चा हो जाता है हर महीने, कुछ नहीं बच पाता, काम भी सही नहीं चल रहा है, आप समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान हमारी कभी ना कभी मदद जरूर करेगा। आजकल दादी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं बच पाते हैं, कब दूर होगी हमारी गरीबी? आप चिंता ना करिए, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तुमने बोला था भगवान सब ठीक करेगा, लेकिन भगवान ने क्या ठीक करा? भगवान ने तो हमारी दादी ही हमसे छीन ली, हमारी दादी हमें छोड़ के चली गई। भगवान ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा। क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? मुझको आटा पीसना था, हमारी चक्की खराब हो गई है इसलिए आटा नहीं पीसा। तुम चिंता क्यों करती हो, दादी के कमरे में मैंने चक्की देखी थी, अभी लाता हूँ। लो ये रही दादी की चक्की, अब पीसो आटा। ये चक्की वो बहुत पुरानी है, मैंने दादी के कमरे में चक्की आज तक क्यों नहीं देखी। ये दादी की खाट के नीचे रखी हुई थी, मैं उठा लेके आया, अब पीस लो आटा। अरे ये तो जादुई चक्की है, मुझे नहीं पता था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। चक्की में से जो फल और सब्जी आती वो बाजार में बेच के चला जाता और शाम को पैसे लेकर घर पहुंच जाता। इस तरह मेहनत करके उनका छोटा सा घर बड़ा हो गया और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। प्लीज़ चैनल को लाइक, बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।